तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले ना रॉयल एनफील्ड का अपकमिंग उनका जो हिमालयन का ही 650 सीसी वाला जो मॉडल है ना, तो उसका ही एक न्यू स्पाई शॉट देखने को मिला है। और जैसे कि देख सकते होंगे ये जो मॉडल है ना, तो ये अभी रस्ते के ऊपर भाई खड़ा तो हुआ है, लेकिन भाई इसका जो टेस्टिंग है ना, तो ये प्रॉपर तरीके से अभी चल रहा है भाई इसी इंडियन रोड में ही। वैसे आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि भाई ये जो मॉडल है ना, तो इसके भी अंदर आपको डुअल जो एग्जॉस्ट जो है ना, तो वो देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि एक साइड वाला जो एग्जॉस्ट पाइप है ना, तो वो ही कुछ देखने को मिला है। वैसे इस वाले मॉडल के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस वाले मॉडल के अंदर कुछ न्यू फीचर्स भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतने दिनों से बहुत सारे वीडियो के अंदर मैंने बोल चुका हूँ कि भाई रॉयल एनफील्ड कंपनी जो है ना, तो इनके तरफ से एक 650 सीसी वाला हिमालयन आएगा, लेकिन भाई बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया था और बहुत सारे लोगों ने नहीं। लेकिन बात कुछ ऐसी कि भाई अभी जो है ना, तो वो इंडियन रस्ते के ऊपर चलते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब एक स्पाई शॉट जो की है हिमालयन के ही भाई 650 वाले मॉडल का। और जैसे कि देख सकते होंगे आपके सामने है रॉयल एनफील्ड का ही उनका 650 सीसी वाला हिमालयन वाला मॉडल। और जैसे कि देख ही सकते होंगे इस वाले मॉडल का जो लुक है ना, तो ये आज का जो हिमालयन 450 जो देखने को मिल रहा है, तो उससे डिफरेंट है। हालांकि भाई ये जो इमेज है ना, तो ये वन साइडेड वाला है, तो इसी वजह से इस वाले मॉडल का जो लुक है ना, तो ये क्लियर तरीके से आप लोग इसी इमेज के अंदर तो देख नहीं पाओगे। लेकिन इसके ही जैसा एक जो इमेज है ना, तो वो आपके सामने है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। तो इस तरीके का एक लुक के साथ में जो है ना, तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई हिमालयन वाला जो मॉडल है 650 सीसी वाला, तो वो आने वाला है। हालांकि ये जो लुक अभी आप लोग देख रहे हो, तो ये एक कस्टम मेड मॉडल है, लेकिन भाई ये जो मॉडल का लुक है ना, तो इस जैसा ही लगभग जो है, तो वो एक न्यू हिमालयन 650 जो है ना, तो वो आने वाला है। अब दोस्तों बात कुछ ऐसा ही कि ये जो रॉयल एनफील्ड का ही न्यू जो हिमालयन 650 को जो दिखा गया है ना, तो इसके साथ में एक और भी चीज देखने को मिला है, जो कि है भाई वन साइडेड वाला जो एग्जॉस्ट जो है ना, तो वो। और जैसे कि देख सकते होंगे ये जो वन साइडेड वाला जो एग्जॉस्ट है ना, तो इसका भाई देख सकते होंगे सीट के नीचे तक जो है ना, तो वो एग्जॉस्ट भाई देखने को मिला है। मतलब पिलियन सीट के नीचे तक, मतलब कि बहुत ही नीचे जो है ना, तो वो भाई एग्जॉस्ट नहीं है। मतलब कि क्लियर तरीके से समझ पाए होंगे कि भाई इस वाले बाइक का जो नेचर है ना, तो वो बाहरी रास्ते के ऊपर चलने से है। और इसके ही साथ साथ ये ऑफरोडिंग वाला बाइक है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। हालांकि भाई इस वाले बाइक का ही, जैसे कि देख सकते होंगे सामने का जो सस्पेंशन सेटअप है ना, तो वो भी यूएसडी फोर्क्स दिए गए हैं और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। साथ में एक और भी चीज देख सकते होंगे कि ये जो हिमालयन अभी आपके सामने है ना, तो इसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स देखने को मिल रहा है, लेकिन भाई ये ट्यूबलेस टायर के साथ में नहीं। लेकिन अभी रेट में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से उनका हिमालयन के ही भाई 650 सीसी वाले मॉडल में भी एक आपको ट्यूबलेस वाला जो टायर है ना, तो वो भी कुछ देखने को मिल सकता है। और साथ में ये भी कुछ देखा गया है कि ये जो न्यू हिमालयन है ना 650 सीसी वाले मॉडल के अंदर, आपको जैसे कि देख ही सकते होंगे ये जो एक बड़ा सा मिडल कंसोल है ना, तो ये भी भाई एक इंस्पायर्ड सा मिडल कंसोल है आज के डेट की हिमालयन 450 से। मतलब ऐसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जैसे कि देख सकते होंगे ये जो मिडल कंसोल है ना, तो इसके अंदर आपको पहले बात तो पूरे ही तरीके से कलरफुल टीएफटी डिस्प्ले वाला जो मिडल कंसोल है ना, तो ये वही है जिसके साथ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो राइडिंग मोड्स है, और इसके ही साथ साथ राइड बाय वायर, और इसके अलावा क्रूज कंट्रोल जो है ना, और इसके साथ साथ जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ना, और इसके अलावा भाई टर्न बाय टर्न नेविगेशन या फिर ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी जो है, तो ये सारा जो चीजें है ना, तो ये भी आप लोग देख सकते होंगे इस वाले मिडल कंसोल में। मतलब ऐसे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ में तो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जो है ना, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा भाई। और इसके ही साथ साथ एक और भी चीज, जो कि भाई ये जो हिमालयन है ना, तो इसके साथ में भी आपको डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाने वाले हैं। लेकिन एक चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं ना, तो वो है कि इस वाले हिमालयन के सामने के चक्के पर जैसे कि देख ही सकते होंगे, तो ये डुअल डिस्क के तरह देखने में लग रहा है। और इसके अलावा एक और भी चीज जो कि ये वाला हिमालयन के अंदर है, और वो जो है ना, तो वो एक पूरे ही तरीके से एलईडी लाइट्स का सेटअप, जिसके साथ में आपको हैजर्ड वार्निंग लाइट वाला जो फीचर है ना, तो ये भी सारा कुछ चीजें देखने को मिलने वाले हैं। और बाकी तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो 650 सीसी वाला जो इंजन है, तो ये भी भाई पहले के जो कॉन्टिनेंटल जीटी वाला जो इंजन है ना, तो ये वही है। मतलब कि इसके भी अंदर आपको देखने को मिलने वाला है जो मैक्सिमम पावर, तो वो भी 47 बीएचपी के अंदर अंदर होने वाला है। और साथ में भाई इसके भी अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क है ना, तो वो भी आपको 52 एनएम के अंदर अंदर का देखने को मिलेगा विद 6 स्पीड का गियर बॉक्स, जिसके साथ में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो असिस्टेंस स्लीपर क्लच जो है ना, तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। साथ में ये जो इंजन है ना, तो ये एक 2N सिलेंडर वाला इंजन है, ऑयल कूल वाला 650 सीसी के अंदर। तो ये जो इंजन है, तो ये तो भाई पावरफुल है ही वैसे भी। और साथ में भाई ये जो मॉडल है ना, तो ये भी इसी साल के ही अंदर अंदर एक्सपेक्ट
किया जा रही कि लॉन्च होने वाला है इसी इंडियन मार्केट में। अब दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो हिमालयन का 650cc वाला जो मॉडल है ना, तो ये आने के बाद आप लोग क्या भाई 650cc वाले और दूसरे कोई भी बाइक्स की तरफ देखोगे या फिर इस वाले को ही खरीदोगे? तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।